गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है अगर वो अपने गुस्से पर थोड़ा काबू बनाकर रखें तो आपको चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। घर परिवार में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा और परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। घर में या किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है जिससे आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का अवसर मिलेगा और मित्र और परिवार के साथ यात्राएं भी हो सकती हैं। दूसरों की भलाई और जन कल्याण के कार्यों में रुचि बनी रहेगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले अगर आज गलत संगति से बच के रहे तो दिन उत्तम होगा और परिश्रम के अनुसार आपको आज हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। वाणी में भी अच्छी मधुरता रहेगी और दूसरों के साथ आप अपने अच्छे संबंध आज बना करके रखेंगे और पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खट्टा मीठा है। कामकाज में हर तरह से मन लगेगा, पारिवारिक सुख में भी कोई कमी नहीं होगी, समाज में भी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि देखने को मिलेगी और नई नई चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता भी बढ़ेगी। परंतु आज नशे वगैरह का सेवन ना करें, उससे बच के रहे, वरना स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी परेशानी हो सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। सुबह सवेरे किसी मांगलिक कार्य की तो खबर हो सकती है, लेकिन मन में जरूरत से ज्यादा भटकाव देखने को मिलेगा और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है जिससे तनावपूर्ण स्थिति वो देखने को मिल सकती है। परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर के मन मुटाव भी संभव है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले अगर आज अपने आप को गलत संगति से थोड़ा बचा करके रखें, उसके आकर्षण में ना जाए तो दिन हर तरह से उत्तम होगा। कामकाज में अच्छा धन लाभ होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में कामयाबी मिलेगी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को। गुरुदेव से आगे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए खुद उत्तम ना रहेगा, परंतु अचानक किसी प्रकार की परेशानी घर परिवार के लिए सरदर्दी बन सकती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। आज आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति तो होगी, मान सम्मान भी मिलेगा, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा विश्वासघात आपके साथ हो सकता है और जिसके कारण गुस्से की मात्रा बढ़ सकती है और बच्चों की तरफ से भी कोई न कोई चिंताजनक हालात उत्पन्न हो सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए भी खट्टा मीठा ही दिन है। आज समाज में तो आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, ईश्वर की तरफ भी आपकी आस्था बनी रहेगी, लेकिन परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, धन को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती है और बेमतलब का कला क्लेश वो भी उत्पन्न हो सकता है। बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए लगभग दिन काफी अच्छा है। आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर उत्तम रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए ये समय ठीक नहीं है। इसके अंदर कामकाज में भी परेशानियों के योग है, माता पिता के साथ किसी भी तरह के तनावपूर्ण संबंध बन सकते हैं, शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और यात्राओं का ये समय नहीं है बेटा। इस वक्त में यात्रा अगर हो सके तो ना करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। मीन राशि, मीन राशि वाले अगर आज अपने मन में नकारात्मक भावनाएं ना आने दे तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव रहेगा, नए नए लोगों के साथ मित्रता कायम होगी, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और मित्रों के साथ में यात्राएं भी हो सकती है।